भारत के सबसे खूबसूरत जगह में से एक और नेचर के सबसे करीब यह है वादी कश्मीर, जिसके बदौलत इसे हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। हर साल इस वादी का दौरा करने की तमन्ना दुनिया का हर इंसान अपने दिल में रखता है। 2023 की अगर हम बात करें तो सयाहत की सन्नत के लिए यह साल खास रहा, जिसके चलते वादी में 1.27 करोड़ से ज़्यादा सयाहों ने खूबसूरत वादी का दौरा किया, जिनमें करीबन 20,000 गैर मुल्की सयाह भी शामिल थे। ये पहल न सिर्फ वादी के अमन को बयां करती है बल्कि सयाहत की आमद कश्मीर की माशियत का भी बड़ा जरिया साबित हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तस्दीक के हवाले से 2023 में सिर्फ 10 लाख सयाहों की आमद से गुलमार्ग गंडोला ने 108 करोड़ की आमदनी हासिल की। जायरीन को रगीब करने और उनकी मेजबानी करने की खातर वादी के कई खूबसूरत मकाम अनमोल और नायाब है, जिनमें श्रीनगर दाल झील हर सयाही का पहला पड़ाव होता है। इसके अलावा मुगल बागात, तुलिप गार्डन, निषाद गार्डन, सोना मार्ग, पहलगाम के साथ साथ वादी के दिगर मजहबी मुकाम जैसे हरि पर्वत, शंकराचार्य मंदिर, खीर भवानी मंदिर, हजरतबल श्राइन, चरर अशरीफ और बेहद मशहूर अशमुकम दरगाह, जिसके अक्ष को बजरंगी भाईजान जैसे सुपरहिट मूवी में भी दिखाया गया है। इतना ही नहीं, खेलो इंडिया पहल के तहत ये सर जमी दुनिया के हर ख्वाहिशमंद इंसान को उनके हुनर की सराहना करने के अलावा कई खेलों की पनागा है, जैसे गर्मियों में गोल्फ कोर्स, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और सर्दियों में स्कीइंग, आइस हॉकी, ट्रैकिंग जैसे सरगर्मियाँ शामिल हैं, जिन्हें न सिर्फ वादी को इस पर अमन माहौल और वादी की सुंदरता को और फरोग देने के लिए हुकूमत ने साल 2023 के दौरान 447 करोड़ रुपए की लागत से कश्मीर में 75 नई खूबसूरत मकाम तामीर किए। कुदरत ने इस कश्मीर को इंतहाई खूबसूरत नज़ारों से नवाजा है। बर्फ पोश पहाड़, चमकती झीलें, सरसब्ज मैदान, जिन्हें देखकर हर एक माइल हो जाता है और हर इंसान इस वादी की सकाफत में ढल जाता है। बरसों देखे हुए ख्वाब की अब जाकर मिली ताबीर है, होते हैं जहां लुत्फ़े अंदाज हम, वो वादी है कश्मीर है।